आपसे दूर होकर वो कैसा फील कर रहे हैं। सो आज का ये टॉपिक है, अगर आपके पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट दिया है, आपको अकेला छोड़ के चले गए हैं, तो आज जानने की कोशिश करेंगे इन कार्ड्स के थ्रू कि क्या फीलिंग्स हैं उनकी अभी अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में है, क्या डिवाइन कुछ यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस भेज रहे हैं। सो आज जानने की कोशिश करते हैं, और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है क्या कुछ कर्मा आ रहा है उन लोगों के लिए, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है सो क्या कुछ आ रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में कर्मा उन लोगों का। सो चलिए शफलिंग मैंने शुरू कर दी है, जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट होइएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखिए, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। सो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रख लीजिएगा। पहले डेक से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है अभी उनके लाइफ में, थोड़ा सा पास्ट कनेक्ट करेंगे, प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर गाइडेंस की तरफ जाएंगे। सो अभी देखते हैं यहाँ पर कि अभी आपसे दूर होकर क्या फील कर रहे हैं, आपको लेकर के अभी क्या फीलिंग्स उनके मन में आ रही हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्प्रेड को। सो एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस स्प्रेड को स्टार्ट करूंगी। आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी, सक्सेस इन माई लाइफ। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, प्लीज व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ चल रहा है इनके पर्सन के मन में इनको लेकर के। ओके, सो अपनी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपकी मैनिफेस्टेशंस, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस ज़रूर लिखिएगा, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं लिखना मत भूलिएगा। ओके, सो चलिए फर्स्ट कार्ड को मैं यहाँ पर ओपन करने जा रही हूँ, देखते हैं क्या आ रही है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। अपना दिल दिमाग बिल्कुल शांत कर लीजिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन कार्ड के साथ लगा लीजिए। वाह, फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर आया है 10 of Cups का कार्ड। सो ऑल साइन रीडिंग है, साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फर्स्ट राशि जो यहाँ पर निकल करके आई है वो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आई है। सो कार्ड देखते ही आप समझ गए होंगे क्या कुछ आ रही है फीलिंग्स अभी आपको लेकर के। सो आज जो फील कर रहे हैं वो आपको, आपकी याद उनको बहुत ज़्यादा आ जाती हुई दिखाई दे रही है, और अभी आप दोनों ने जो भी रिश्ता साथ में निभाया है अभी उसको बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी रंग आपकी ज़िंदगी के आप दोनों ने मिलकर के साथ में बिखेरे थे, जो भी लाइफ आप दोनों ने साथ जी थी, वो सारे पल अभी उनको याद आ रहे हैं। सो यहाँ पर चीज़ें, अगर आपकी फैमिली रही है, आपका रिलेशनशिप रहा है, या फिर आपके बच्चे हैं, आपकी पूरी फैमिली अगर आप लोगों की रही है, ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें, सारे मोमेंट्स उनको याद आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सारे पल, सारे फीलिंग्स अभी उनको बहुत परेशान कर रही है, मतलब परेशान का मतलब काफ़ी कुछ उनको पास्ट की खुशियाँ याद आ रही हैं, आपके साथ जो खुशी भरे पल उन्होंने बिताए हैं, आपके साथ जो एक सुकून भरे पल, प्यार भरे पल जो आपके साथ बिताए हैं, वो अभी मोमेंट्स इनको काफ़ी ज़्यादा याद आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो आपसे दूर होकर भी आज भी उनकी फीलिंग्स आपको, आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। राइट, नेक्स्ट आया है यहाँ पर हर्मिट का कार्ड। ओके, सो जो प्रोमिनेंटली राशि निकल करके आई है वो है वर्गो, कन्या राशि निकल के आई है। सो यहाँ पर देखिए काफ़ी कुछ अभी आपसे जब इन्होंने दूरी बनाई है या आपसे अभी दूर है, तो काफ़ी कुछ अकेला बैठ करके, जब भी अकेले होते हैं तो उनके दिलो दिमाग में चीज़ें बहुत असेसमेंट में चलती हैं, मतलब क्या क्या सब ठीक था, क्या सब गलत रहा, क्या कुछ हुआ है, तो काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी उन्हें पास्ट में नहीं रही है, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी उनको यहाँ पर समझ में आ रही है। कुछ तो ढूंढ रहे हैं, कुछ तो इनकी खोज चल रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ अंधेरा है इनके आसपास, उसमें कुछ उजाले में कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, उस अंधेरे में कुछ उजाला ढूंढना चाह रहे हैं। कुछ इनका, या तो देखो कुछ ऐसा है जो इनका इन्होंने मिस कर दिया है, ठीक है, कुछ चीज़ें इनके दिलो दिमाग में छाई हुई हैं पास्ट को लेकर के, बहुत ज़्यादा ये अभी ना सोच रहे हैं कि गलती कहाँ हो गई है, किससे क्या, कहाँ प्रॉब्लम रही है,
पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है. सो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि आई है. सो देखिए पास्ट में कुछ इनकी एनर्जीज इमेच्योर रही हैं और ये चीज़ इसको अभी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपने इनको बहुत संभाल के रखा, ठीक है, आपने इनको बहुत ज़्यादा केयर के साथ रखा, खुशियाँ दी हैं. और ये ना कहीं देखो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इनकी दुनिया में, इनकी लाइफ में, इनकी ज़िंदगी में अभी काफ़ी कुछ ख़राब समय ये फेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी ना ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुशियों के पीछे ना भागने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको कहीं से थोड़ी सी भी खुशियाँ मिल जाएँ. सो आपके साथ जो बिताए हुए पल है ना वो बहुत ज़्यादा इनको खुशी दे रहे हैं अभी और एक सुकून दे रहे हैं, ठीक है. और इनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी इनका इनको परेशान किए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ ये हर्मिट जोन में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. और आपकी यादों को अभी इन्होंने कहीं ना कहीं सुबह या आसपास में ही उन्होंने बहुत ज़्यादा याद किया है. और डेथ रीबर्थ का कार्ड यहाँ पर निकल के आया है ना. सो यहाँ ये कार्ड बता रहा है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि प्रोमिनेंटली आई है, इनके अंदर कुछ बदल रहा है, ठीक है, पुराना सब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ नया इनके अंदर चेंज आ रहा है. सो डिवाइन इनको कहीं ना कहीं ये पहचान दिलाने की कोशिश कर रही है कि कुछ बदलो, ठीक है, अभी जो इनकी लाइफ चल रही है वो इनके लिए सही नहीं है, इनके आसपास जो भी लोग हैं, ठीक है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है. सो यहाँ बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन में परेशान दिखाई दे रहे हैं, शांति नहीं है, ठीक है, शांति बिल्कुल भी इनकी ज़िंदगी में अभी नहीं चल रही है, परेशानियों से गुजर रहे हैं, इनकी परिस्थितियाँ बिल्कुल यहाँ पर ठीक मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं. ओके, सो पुराना अभी जो भी चल रहा है ना उसको यहाँ पर एक ख़त्म करना चाह रहे हैं और एक अपना एक पुनर्जन्म करना चाहते हैं, अपने में चेंजेस लाना इन्होंने शुरू कर दिया है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं इनकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है. अभी प्रेजेंट टाइम इनके लिए आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किलें इनको देखनी पड़ रही है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जिस भी अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि इस ज़िंदगी में, इस प्रेजेंट सिचुएशन में ये जिस भी ज़िंदगी में ये जी रहे हैं, जो भी परेशानी ये जी रहे हैं ना उसको ये बिल्कुल ऐसा उनको फील आ रहा है कि ये ख़त्म हो चुके हैं, ये अंदर से ख़त्म हो चुके हैं, इनका दिलो दिमाग ख़त्म हो चुका है, ये आगे बढ़ने वाली कंडीशन में नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. ये लोग क्या है, ये छुपे हुए लोग होते हैं, ये लोग ज़्यादा अपने दिल की बात बताते नहीं हैं, दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं और अभी भी नहीं शेयर कर रहे हैं. अपने ही अंदर इन्होंने बहुत गहरे राज छुपाए हुए हैं, अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर इनके काफ़ी कुछ चल रहा है, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस चल रही हैं और ये अपने में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आपके साथ इन्होंने गलत किया, अगर आपके साथ इन्होंने बदसलूकी की है, धोखा दिया है, तो काफ़ी चीज़ें इनके पास लौट के आ रही हैं, ठीक है. इनको भी धोखा मिल रहा है, इनके साथ भी बदसलूकी हो रही है, इनके साथ भी बदतमीज़ी हो रही है, इनको भी वही वैसा ही ट्रीटमेंट मिल रहा है जैसा आपको मिला, ठीक है. और आपकी लाइफ में जो कुछ भी इन्होंने दिया है, जो कुछ भी इनके थ्रू आपके पास तक आया है, उस चीज़ को आज रियलाइजेशन में इनको बहुत ज़्यादा आ रहा है, राइट. इनको ये समझ में आ रहा है कि रिश्ता आपके साथ जो था वो एक ऐसा रिश्ता था जो ये फिर से शुरू करना चाहेंगे, ठीक है, ये फिर से चाहेंगे चीज़ों को ठीक करना, ये फिर से चाहेंगे आपके साथ रिश्ते को आगे निभाना, क्योंकि यहाँ पर इनकी ज़िंदगी की खुशियाँ ना काफ़ी कुछ छिन गई हैं. इनके आसपास जो भी लोग हैं वो इनको बहुत परेशान कर रहे हैं. अभी ये भले ही नहीं दिखा रहे हों, सामने दुनिया के सामने नहीं बता रहे हों, लेकिन इनके दिल दिमाग में बहुत चीज़ें इधर उथल पुथल चल रहा है इनकी दुनिया के अंदर, है ना. और ये देखो चीज़ें क्या है ना, जब आप डेथ और रीबर्थ का कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं पुराना समय ख़त्म होने का समय होता है और नया इंसान का जन्म हो रहा होता है. सो ये पुराने थॉट्स को, पुराने अपने यादों को, या जो भी प्रेजेंट में ये जी रहे हैं ना, उन सब चीज़ों को ये ख़त्म करना चाह रहे हैं. तो ये बहुत अभी किसी न किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, किसी न किसी दिक्कत में ज़रूर फंसे हुए हैं और किसी प्रॉब्लम का सामना ये ज़रूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं. टेम्परेंस का कार्ड आया है. सो नेक्स्ट राशि जो यहाँ पर निकल के आई है वो है सैजिटेरियस, धनु राशि निकल कर के आई है. देखो ये अपने अंदर बहुत, अभी मैंने बोला ना ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं, तो डिवाइन ने इनको ऐसी कंडीशन में छोड़ दिया है यहाँ पर कि ये अपने को शांति की तरफ ले जाना चाहते हैं, अपने दिलो दिमाग को शांत करना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं. अभी इनको किसी का साथ पसंद नहीं आ रहा है. ओके, सो
एक पीस चाह रहे हैं, अपने अंदर के इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छे इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिस फेस से ये आपके साथ या इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में या जो भी ये हैं, जिस फेस से ये निकले हैं ना, ये फेस इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ रहा है, और आपके साथ बिताए हुए जो भी अच्छे पल हैं वो इनको अभी बहुत ज़्यादा सुख शांति दे रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं ये जब आपकी यादों को याद कर रहे हैं तो, ठीक है। और ये भी इनको समझ में आ रहा है कि इनके जो आप दोनों के रास्ते जो एक जा रहे थे, इनकी वजह से ये रास्ते अलग हो गए हैं। सो ये इनकी गलतियों की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये अपनी गलतियों को अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं ये बोलूं कि डिवाइन का अभी ये कार्मिक साइकिल डिवाइन ने इनको दिया हुआ है। सो ये कर्मा पीरियड इन लोगों का चल रहा है, और अभी ये कर्मा ऑलमोस्ट जब ये ख़त्म होएगा उसके बाद ही अपने को चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चेंज किस तरीके से कर रहे हैं, जो चेंजेस इनके दिल में, दिमाग में, या इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, ये इनको शांति की तरफ ले जा रहा है, एक अच्छाई की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ डिवाइन ये भी इनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपसे दूर होकर के जो भी इन्हें सज़ा मिली है, ठीक है, वो सज़ा इनको एहसास दिला रही है कि इनके लिए क्या सही था और क्या गलत था, क्या सही होगा और क्या गलत होगा। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे असेसमेंट्स इनकी लाइफ के चलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, राइट। सो अभी आपसे दूर होकर के काफ़ी कुछ इनकी फीलिंग्स इंटेंस आ रही हैं आपको लेकर के। कुछ देखो स्पिरिचुअल जर्नी भी इनकी चल रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ये थोड़े से मुड़ते चले जा रहे हैं, है ना। पहले ये भाग रहे थे दुनिया के पीछे, ठीक है, अब अकेले रहना चाहते हैं, अब थोड़ा शांति सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और जो खुशियों भरे पल, जो एक प्यार भरे पल जो इन्होंने आपके साथ बिताए हैं और जो छूट गया है इनसे, ठीक है, वो अभी अपने को उस चीज़ में समेटे हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी पास्ट एनर्जीज में अभी ये जी रहे हैं। ओके, सो जब देखो जानबूझ के इंसान कोई गलती करता है और कुछ टाइम बाद अगर वो रियलाइज़ कर लेता है तो डेफिनेटली इसको ट्रांसफॉर्मेशन ही कहते हैं। पहले भले ही इन्होंने इस गलती का एहसास नहीं किया होगा, पहले इन्होंने ब्लेम आपके ऊपर ही लगाए होंगे, पहले आपसे ही इन्होंने गलत बातें बोली होंगी, ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, जैसे जैसे ये जीवन आगे बढ़ रहा है, हर स्टेप इनको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, हर गलती इनको कुछ ना कुछ सिखा रही है, समय इनको सिखा रहा है, ठीक है, डिवाइन इनको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। तो अब ये टेम्परेंस वाली एनर्जी में यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये नेगेटिविटी की तरफ नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। सो चलिए अभी यहाँ अगले डेक से हम देख लेते हैं कि ये तो अभी ये आपके बारे में ये सोच रहे हैं, बट ये जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, इनका तो कार्मिक साइकिल चल रहा है, ठीक है, लेकिन जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, हम थोड़ा ये भी देखेंगे कि क्या कुछ डिवाइन डिसाइड कर रही है इस थर्ड पार्टी के लिए। ओके, सो थर्ड पार्टी के लिए क्या डिसाइड कर रही है डिवाइन। यहाँ पर सन का कार्ड आया है, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड आया है, फाइन, नाइट ऑफ वॉन्ड आया है, ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड आया है, फाइन, एंड नाइट ऑफ कप्स, सभी नाइट के कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं। ओके, सो देखिए सारी राशियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। सो देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी क्या चल रहा है और क्या कुछ कर्मा आ रहा है। सो देखो अभी फिलहाल में तो इनका साइकिल, इनका जो टाइम चल रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी कुछ इनकी ज़िंदगी में, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी काफ़ी कुछ चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं चीज़ें एक जर्नी पर निकली हुई है ये थर्ड पार्टी। देखो सब जगह एक जर्नी पर है, यहाँ भी घोड़े पे सवार, 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 सब जगह ये घोड़े पे सवार ही है, ठीक है। सो यहाँ पर कहीं भी ये घोड़े से उतरी नहीं है थर्ड पार्टी, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर देखो हर जगह घोड़े दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और ये एक जर्नी पर निकली हुई है थर्ड पार्टी। और ये जर्नी कैसी है कि बचपन से शुरू हुई है ये जर्नी, धीरे 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 करके यहाँ पर एक कहीं ना कहीं ये ना एक वॉर वाली कंडीशन में है। सो इसको दौड़ना है, इसको भागना है, इसको बहुत फास्ट है ये थर्ड पार्टी, इसको ज़िंदगी में ना सब कुछ चाहिए, है ना, इसको ज़िंदगी में पैसा भी चाहिए, खुशियाँ भी चाहिए, करियर भी चाहिए, रिलेशनशिप्स भी चाहिए, इसको सब कुछ चाहिए, ठीक है। और सब कुछ चाहने के चक्कर में ये धीरे धीरे अपना सब कुछ बिगाड़ती चली जा रही है ना। बहुत देखो हर तरफ घोड़े पे सवार है,
है ना। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बचपन से ही ये चीज़ें इसकी ज़िंदगी में रही हैं कि इसको लाइफ की भूख है, ठीक है, इसको ज़िंदगी में इतना तेज़ दौड़ना है कि ये आसपास कहीं नहीं देखना है इसको, है ना। एक टारगेट लेके चल रही है ये थर्ड पार्टी, एक टारगेट लेके चल रही है अपनी लाइफ का। अब उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो कुछ भी इससे होगा ये करने को तैयार है, ठीक है, जो कुछ भी इसके लिए ठीक है ये करने को तैयार है। बाकी किसी और की लाइफ में जो भी होता रहे वो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, लेकिन बस दौड़े ही जा रही है, दौड़े ही जा रही है, भागे ही चले जा रही है, और अपनी लाइफ के लिए, ठीक है, सेल्फिशनेस के लिए ये दौड़ रही है। हाई प्रिस्टेस आया है, ठीक है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी इसकी ज़िंदगी में ये दौड़ भाग में ना इसने इतना कुछ देख लिया है, इतना कुछ दूसरों की ज़िंदगी में दे दिया है कि काफ़ी कुछ यहाँ पर ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज में भी दिखाई दे रही है, ठीक है। है इसका दिमाग बहुत तेज़ है, ठीक है, है तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिविटी में डूबी हुई रहती है ये थर्ड पार्टी। इमोशनली कनेक्ट करती है दूसरों को, कुछ राज इसके दिल में बहुत गहरे छुपे हुए हैं, क्योंकि देखो जर्नी है ना इसकी ज़िंदगी की, तो कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स तो इसकी ज़िंदगी में ज़रूर आए हैं, ठीक है, अच्छाई भी आई है, बुराई भी आई है, भलाई भी आई है, है ना। और इसने देखो इसने हर चीज़ के लिए स्ट्रगल किया है, ओके, और ये ना एक एक दौड़ में लगी हुई है ना। कभी ये तो खुद से ही इसकी लड़ाई चल रही है, बेसिकली ये बात करूँगी मैं कि ये अपने से ही लड़ती हुई दिखाई दे रही है ना, और इसको धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस आ रहा है कि इसकी जर्नी कहाँ पर जा रही है ना। और यहाँ पर हाई प्रेस्टेज की एनर्जी में बैठी हुई दिखाई दे रही है, मतलब बहुत गहरे राज हैं इसके दिल में, धोखा देना, बेमानी देना, झूठ बोलना, बहुत गहरे राज हैं। देखो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, पैसे चाहिए इसको, ठीक है, और इसको ना लेना आता है, ये हमेशा लेना है इसको दूसरों से, छीनना है इसको दूसरों से। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में यहाँ पर बैठी हुई दिखाई दे रही है, सो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसकी ना अथॉरिटी बहुत चलानी है इसको, अपने डिसीजंस खुद लेने हैं इसे, और बहुत एनर्जीज यहाँ पर, बहुत एनर्जी है इसके अंदर, पेशेंस नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये जर्नी इसको कहाँ ले जा रही है, अगर देखो आप इसको, ये जर्नी इसको कहाँ लेके जा रही है, ये जर्नी इसको ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ पर इसको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि इसकी लाइफ का होने क्या वाला है। सो यहाँ पर इसका ये जब इसका ये साइकिल ख़त्म होगा ना, तो तब इसके कार्मिक शुरू होने वाले हैं, ठीक है। इसके कार्मिक्स कैसे शुरू होंगे कि कोई तो इसकी लाइफ में ऐसा रहेगा जो कि यहाँ पर इसको रोकेगा, जो इसकी लाइफ के डिसीजंस को चेंज करेगा, जो एक अथॉरिटी के साथ इसको रोकने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी कुछ इसकी लाइफ में नेगेटिविटी भरने वाली है, काफ़ी कुछ इसकी लाइफ में ऐसे लोग आने वाले हैं जो कि इसको इसका असली औकात इसकी दिखाएंगे, असलियत इसको समझाने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं देखो जिस जर्नी पे ये दौड़ रही है ना, वो एक ऐसे दोहराए पे आके ख़त्म हो जाए, रुकेगी जहाँ पर उसको एक ब्लॉकेज दिखेगा, ठीक है, उसको समझ में नहीं आएगा कि अब कहाँ जाना है। एक ऐसे दोहराए पे आके खड़ी हो जाएगी ये थर्ड पार्टी कि अब यहाँ पर इसका कार्मिक साइकिल शुरू हो जाएगा, और जैसे ही इसका कार्मिक साइकिल शुरू होगा इसका जीवन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और ये सिर्फ दुख झेलेगी, परेशानी झेलेगी, और अपने ज़िंदगी में सिर्फ दिन रात दुख को ही इसको झेलना पड़ेगा। तो इसकी जो ये यात्रा चल रही है, इसकी ज़िंदगी की जो ये यात्रा चल रही है, बहुत स्पीड में चल रही है, ठीक है, और जो ज़्यादा तेज़ दौड़ता है ना वो कहीं ना कहीं औंधे मुंह गिरता है, ओके। सो अभी सब कुछ चाहिए ना, प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, करियर चाहिए, नाम चाहिए, नेम एंड फेम चाहिए उसको, है ना, अपने हाथ में सारे डिसीजंस रखने हैं, दौड़े जा रही है। और इस दौड़ में कोई पैरों के नीचे आ रहा है, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ अपनी सेल्फिश है ये बहुत ज़्यादा, सिर्फ अपने अपना दिमाग इसको दौड़ाना है, अपनी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है, समझ रहे हैं। लेकिन इसका जो कार्मिक्स है वो या तो इसको देखो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों में फंसा देगी जो इसके साथ ऐसा ही करेंगे जो जैसा ये लोगों के साथ कर रही है, या फिर ऐसा भी ये भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ये ऐसे चक्करों में फंस जाएगी कि इसको लोग बिल्कुल अलग कर देंगे, ठीक है, इसको इसका कर्मा सिखाना पड़ेगा, इसको इसका कहीं ना कहीं चीज़ें इसके पास लौट करके ज़रूर आएंगी, और ये रुकेगी जिस स्पीड से ये दौड़ रही है ये बिल्कुल रुकेगी, और ऐसी जगह रुकेगी जहाँ पर इसको आगे जाने का रास्ता ही नहीं दिखेगा, और जिनके साथ इसने धोखा दिया है ना वही लोग इसको घेर लेंगे, वही लोग इसको बर्बाद करेंगे, और कहीं ना कहीं ऐसा दिन भी इसको देखना पड़ेगा जिस दिन ये बिल्कुल अकेले रह जाएगी और रोने के अलावा
और अपना सिर पटकने के अलावा और इसके पास कोई चारा नहीं रह जाएगा। तो ये आया है इसका कर्मा, तो अभी तो दौड़ चल रही है इसकी, ठीक है, और इसी दौड़ को लेकर जो इसके राज है ना उसी चीज़ों को लेकर और जिस जो भी इसकी इसका सेल्फिश नेचर है वो ही आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इसकी इसकी खुद की दौड़ में ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन फंस चुके हैं और ये पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि ये इसकी खुद की जर्नी है, ठीक है, इसकी ज़िंदगी में जो आएगा जैसे आएगा बस इसको अपने अपनी ज़िंदगी खुश अच्छी करनी है, बाकी और किसी से कोई लेना देना नहीं है। सो कहीं ना कहीं इसने आपके पर्सन को भी यूज़ किया है, इसके दिल के राज कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ में आ रहे हैं और अब वो इसका साथ छोड़ना चाहते हैं और आपके साथ वापस एक रिबॉन्ड करना चाहते हैं। तो अगर आप रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में रीयूनियन लिखिएगा। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये पर्सन कितना भी बदल जाए ये पर्सन आपके लायक है ही नहीं, ठीक है, तो आप मूव ऑन मैनिफेस्ट कीजिएगा, ब्रेकअप मैनिफेस्ट कीजिएगा। और अगर आप न्यू पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हैं तो न्यू पर्सन आप कमेंट बॉक्स में मैनिफेस्ट कीजिएगा, राइट। तो यहाँ पर ये कार्ड्स के बाद मैं कुछ आपके लिए यहाँ पर डिवाइन के मैसेजेस लेना चाहूँगी, ठीक है, क्या कुछ डिवाइन आपके लिए मैसेजेस दे रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन यहाँ पर गाइड कर दीजिए, कुछ मैसेजेस हैं क्या, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेजेस हैं क्या, देखो पॉलिटिक्स, ठीक है, सो आपको बहुत ज़रूरत है अब पॉलिटिक्स समझने की, अपने आसपास के लोगों को देखो, लोगों को पहचानने की कोशिश करो, कौन आपके लिए सही है कौन आपके लिए गलत है, ठीक है, क्योंकि लोग आपकी ज़िंदगी में आए और आपको धोखा देकर के चले गए, आपका सुख शांति सुकून सब कुछ छीन लिया, आप पहचान ही नहीं पाते हो लोगों को, ठीक है। सो आपके अंदर इतना भोलापन है, आपके अंदर इतनी ईमानदारी है, आपके अंदर इतना प्यार है लोगों के लिए कि आप लोगों का दो चेहरा, आप लोगों का ये जहरीला चेहरा नहीं पहचान पाते हो, ये हंसी आप नहीं पहचान पाते हो, लोगों का धोखा नहीं पहचान पाते हो। सो वो चीज़ अभी आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और लोगों के चेहरे पहचानने की ज़रूरत है। जो आपको ऐसे लगते हैं लोग जो आपकी ज़िंदगी में पॉलिटिक्स करते हैं, आपकी ज़िंदगी की ऐसी तैसी पहचाने में लगे रहते हैं, ठीक है, उनसे बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन कर लो। और इस और यहाँ पर देखो गिल्ट आया है, आप अपने को ही, आपने इन सब चीज़ों के लिए आपने अपने को ज़िम्मेदार समझा हुआ है, आप ज़िम्मेदार नहीं हो, ठीक है, इस चीज़ को समझो कि इस सब के लिए आपको गिल्टी होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है ये आपकी ज़िम्मेदारी पर नहीं हुआ, ना आप इसकी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हो, राइट। ये तो कहीं ना कहीं आपकी भी कार्मिक्स हैं, आपके पर्सन के भी कार्मिक्स भुगत रहे हैं और इसको भी इसके कार्मिक्स भुगतने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये गिल्ट आपको अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये बोझा आपको अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेना है। रिसेप्टिव का कार्ड आया है, ठीक है, सो आप अपनी एनर्जीज को कॉन्सेंट्रेट करो, आप अपनी एनर्जीज में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो, नेगेटिविटी को दूर करो, क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पर माइजर आए हैं, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में यहाँ जो भी ये लोग धोखेबाज लोग आए हैं, जो आपकी ज़िंदगी में धोखा दे करके चले गए हैं, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में दिख रहे हो, तो उस गिल्ट से बाहर निकलने की ज़रूरत है। सोर्स का कार्ड आया है, ठीक है, सो आपकी लाइफ में बिल्कुल यहाँ पर चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी लाइफ भी यहाँ पर चेंज होने वाली है, ठीक है। चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने सारे सोर्सेस का यूज़ करना पड़ेगा, ओके, सो जो भी कुछ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है उसको एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है, आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे डरे सहमे भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है, ये धोखे से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ये धोखेबाजों के पीछे आपका दिमाग पूरा दिन लगा रहता है, तो आप पॉजिटिव एनर्जी ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, है ना, आपके आसपास इतनी नेगेटिविटी हो गई है कि आपका दिमाग अशांत हो गया है और इस नेगेटिविटी में फंस गया है। सो आपको एक ऐसे सोर्स की ज़रूरत है जो कि आपको एक सही डायरेक्शन दे, सही आपको जगह पे लेके जाए, या आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाले समय के लिए आपको तैयार करे, और आप तैयार हो भी रहे हो, ठीक है, इस इंसिडेंस ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया है। तो अपने दिल के दिमाग के दरवाजे खोलो, बाहर की एनर्जीज़ को ग्रैब करो, अपने स्किल्स पे काम करो, अपनी ग्रोथ पे काम करो, ओके, अगर ये लोग सेल्फिश है अपनी ज़िंदगी के लिए तो आपको भी सेल्फिश होना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है और आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे। आप इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो, ठीक है, डिपेंडेंसी ने आपको वहीं अटका के रखा हुआ है और आप इन्हीं लोगों के बारे में बार बार सोचते रहते हो, ठीक है। सो एक एनर्जीज को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है ना, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा मुड़ने की ज़रूरत है, भगवान पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो सामने वाले के साथ भी अच्छा नहीं होने वाला है,
ओके सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थे आज की गाइडेंस. आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी. लाइक कर दीजिएगा, शेयर करेंगे तो हो सकता है इस रीडिंग की जरूरत और किसी को हो, वहां तक पहुंच जाए. सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा. YouTube, Facebook और Instagram तीनों जगह हमारे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं. आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर के हमारी बाकी की रीडिंग्स को देख सकते हैं. कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस रीडिंग को कहाँ से देख रहे हैं. बजरंगबली, यूनिवर्स, डिवाइन, अपने गॉड का थैंक यू ज़रूर कर दीजिएगा कि उन्होंने ये रीडिंग्स आप तक पहुँचाने में हेल्प की है. तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में. तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.